हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहां पर आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको जो DCA फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है फॉक्स प्रो, उसके अंतर्गत जो माखनलाल चतुर्वेदी मॉक टेस्ट ले रही है उसके आंसर्स क्या होंगे। चलिए मॉक टेस्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप MTU ऑनलाइन वेबसाइट को ओपन कर लें, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के मॉक टेस्ट लेने के लिए इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करें, यहाँ पर छात्र में जाएं, यहाँ पर जो भी आपका सेंटर कोड है उसको आप यहाँ पर टाइप करें, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर है उसको आप टाइप कर लें। स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर टाइप करने के बाद आप वैलिडेट लॉगिन में क्लिक करें। उसके बाद आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, तो आप पासवर्ड को यहाँ पर जो है टाइप कर लें। उसके बाद आप लॉगिन बटन में क्लिक करें। लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में दिखाई देगा टेक अ मॉक टेस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और गो बटन में क्लिक करेंगे। गो बटन में क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन में क्लिक करने के बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चेकबॉक्स को चेक करेंगे, आगे बढ़े ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है, कैसे क्वेश्चन है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जैसे हम परीक्षा शुरू और फॉक्स प्रो में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, फॉक्स प्रो के मॉक टेस्ट में चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है डेटाबेस बनाने का सामान्य सॉफ्टवेयर है। देखिए डेटाबेस जो बनाया जाता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके द्वारा DBMS जो होता है वही आपका डेटाबेस बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। फॉक्स प्रो में संग्रहित डेटा का महत्वपूर्ण गुण है इफिशियंट, सफिशियंट, फ्लेक्सिबल, इनमें से कोई नहीं। इफिशियंट ये बड़ी कुशलता से हमारे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है, इसलिए इसका आंसर होगा इफिशियंट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट ऑफ कमांड का प्रयोग होता है, जो डिस्प्ले दिखाई देता है लिस्ट का उसको बंद करने के लिए लिस्ट ऑफ कमांड का यूज किया जाता है। सेट बेल ऑफ कमांड से क्या होता है, बेल ध्वनित नहीं करने में, नॉट टू साउंड द बेल, जो बेल जो उसमें बेल की आवाज सुनाई देती है, यदि हम बेल की आवाज को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेट बेल ऑफ कमांड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है फील्ड सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन करने के लिए सबसे उचित डेटा टाइप है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर द फील्ड सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर हमको डिस्क्रिप्शन को स्टोर करना है फॉक्स प्रो में तो उसके लिए मेमो डेटा टाइप सबसे बेस्ट डेटा टाइप है, इसलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मेमो। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स फाइल बहुत सारे इंडेक्स टैग रख सकता है, ए ब्लैंक स्पेस, इंडेक्स फाइल कैन कंटेन सेवरल इंडेक्स टैग, इसका सही आंसर होगा सिंगल इंडेक्स, कॉम्पैक्ट सिंगल इंडेक्स, कंपाउंड इंडेक्स, इनमें से सभी, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो फॉक्स प्रो में सभी प्रकार के इंडेक्स फाइल को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉक्स प्रो में कमांड के इस्तेमाल से टेक्स्ट कोड्स में प्रदर्शित होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा इस कमांड के द्वारा, यदि हम फॉक्स प्रो में इस कमांड को टाइप करेंगे तो हम किसी भी टेक्स्ट को कोटेशन में टाइप कर सकते हैं। जरूरी सूचना जल्दी खोजने में सहायक होता है, जब हम सूचना को जल्दी खोजना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोकेटिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपको फॉक्स प्रो का प्रैक्टिकल पूरा समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे करके रखी हुई है, और यदि आपको फॉक्स प्रो के नोट्स PDF में डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक हमने दे करके रखी हुई है, वहां से जाकर के आप फॉक्स प्रो को पूरा समझ लीजिए। अगर आप फॉक्स प्रो का पूरा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवा क्वेश्चन दिया गया है फाइल के नाम को कहते हैं, फाइल के नाम को हम एलाइज नेम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स फाइल के विस्तारण इनमें से कौन है, इंडेक्स फाइल का जो विस्तारण होता है, जो एक्सटेंशन नेम होता है, उसका नाम है IDX। अगला क्वेश्चन तारीख में से महीने का नाम नेम ऑफ मंथ वापस करता है, रिटर्न द नेम ऑफ मंथ फ्रॉम अ डेट एक्सप्रेशन, डेट एक्सप्रेशन में से ये रिटर्न मंथ करेगा हमको, इसलिए इसका आंसर होगा बी। यहाँ से जो भी हम अंदर डेट देंगे तो वो हमको मंथ जो है रिटर्न करेगा। अगला क्वेश्चन आंकिक डेटा को कैरेक्टर स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है, जो भी हम न्यूमेरिक डेटा देंगे उसको ये फंक्शन कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिक डेटा टू कैरेक्टर स्ट्रिंग, न्यूमेरिक डेटा को ये कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेगा, इसका सही आंसर है हमारा सी।
अगला क्वेश्चन है, पिछले दिन का तारीख प्रदर्शित करता है, इसका आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न करता है, यूज टू रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम, इसका आंसर है हमारा सी, लॉग एन। अगला क्वेश्चन है, एफ वी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फंक्शन है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, फाइल मेन्यू से प्रोग्राम सेलेक्ट करते समय फॉक्सप्रो को विंडो टाइटल के रूप में प्रदर्शित करता है, इसका आंसर होगा हमारा ए। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवधारणा के अनुसार कमांड समूह जिन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है उसे कहते हैं लूपिंग। किसी स्टेटमेंट को बार बार रन करने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं लूपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिस्थापन एक उपयोगी लक्षण है जो किसी प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल और इंटरेक्टिव क्रिया के योग्य बनाता है। सब्स्टिट्यूशन इज यूजफुल फीचर दैट मेक्स द प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव, इसका आंसर है हमारा ए, मैक्रो के द्वारा। हम अगला क्वेश्चन दिया गया, फंक्शन की सहायता के लिए कार्य नहीं कर सकता जबकि सॉफ्टवेयर गलती की सूचना प्रदर्शित कर रहा हो, तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, एफ वन। अगला क्वेश्चन है, कमांड से पहले अतिरिक्त खाली स्थानों को कहते हैं, जो कमांड हम फॉक्सप्रो में टाइप करते हैं उसके पहले जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट जस्टिफाइड। अगला क्वेश्चन है, आर क्यू बी द्वारा संरक्षित की गई क्वेरी फाइल का फाइल एक्सटेंशन है, इसका आंसर है हमारा सी, डॉट क्यू डी बी। अगला क्वेश्चन है, यू डी पी का फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ यू डी बी यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका फुल फॉर्म है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, पैनल बॉर्डर के साथ अंकित करने के लिए वाक्यांश का इस्तेमाल करें, इसका सही आंसर है हमारा डी, डबल। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का प्रयोग किसी फाइल को ओपन करते समय सार्वजनिक उपलब्ध कार्य क्षेत्र मुहैया कराता है, इसका हमारा आंसर होगा ए, सिलेक्ट थ्री। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है हमारा ए, डिफॉल्ट। उसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है, सबमिट बटन में क्लिक करना है, सबमिट एग्जाम बटन में क्लिक करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट कर लिया। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फॉक्सप्रो हो, चाहे एमएस एक्सेस हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे पीसी पैकेज हो, चाहे डीसी सेकेंड सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से चाहते हैं कि आपको उसके ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएं, तो उसके लिए आपको करना ये होगा, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे यदि आप फॉक्सप्रो सीखना चाहते हैं तो फॉक्सप्रो से रिलेटेड भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फॉक्सप्रो में सिलेबस है माखन लाल चतुर्वेदी का, वो हमने यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। ये देखिए पूरा सिलेबस है और पूरे सिलेबस को हमने डिटेल में यहाँ पर समझाया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि फॉक्सप्रो से रिलेटेड जब पेपर आए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाएँ और ऑब्जेक्टिव की किताब खरीद लें, उसी से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे जो परीक्षा में आने वाले, नहीं। उसके लिए आपको पूरा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, आपको पूरी थ्योरी बनना चाहिए। यदि आप ये पूरी पांचों यूनिट का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ निकाल करके आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से पेपर में इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। इसी भी प्रकार से आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेज, नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी हमने बनाए हुए हैं, आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी चीज़ें समझना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ है। और भी किसी सब्जेक्ट के अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।